चंद्रिका आंटी ने मुझे अभी बताया। अम्मी, तुमने मॉम को लेटर दे दिया क्या? सागर जी, पता है मैंने सासू माँ को जो लेटर दिया ना, उसमें तो मैंने पेट भर के सासू माँ की बुराई लिखी है। You are really great, मैं। आज तक मैं जो अनसुया को कह नहीं सका वो तुमने कह डाला। क्या बात? डैड, ये केस बहुत सीरियस है, प्लीज मजाक मत करिए। मेरे लिए नहीं, मैंने थोड़ी लिखा है। अम्मी, मॉम ने वो लेटर पढ़ा क्या? पढ़ा होता सागर जी तो अब तक घर में भूकंप आ चुका होता। या तो सासू माँ मुझे पंखे से लटका रही होती या तो मेरा गला दबा रही होती। हाँ मही, तुम सही कह रही हो, इसका मतलब मॉम ने अब तक वो लेटर पढ़ा नहीं है। हाँ मही, एक काम करते ना, हम मॉम के पास से वो लेटर लेके आ जाते हैं। चलो। मैंने और सागर, क्यों मजाक किरकिरा कर रहे हो, पढ़ने दो उसे। डैड प्लीज, अभी क्या कह रहे हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। देखो, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा जरूर, लेकिन मदद करूंगा या नहीं कुछ और कह नहीं सकता। ओके ओके, अब मैं चलो आओ आओ। अब आएगा मजा। मैं सीधे जाके लेटर मांग ही लेती हूँ। नहीं, ऐसे मॉम को डाउट हो जाएगा, पहले लेटर दिया अब वापस मांग रही हो। नहीं नहीं, बेटर ऑप्शन होगा कि हम लेटर ऐसे लें कि मॉम को पता ही ना चले। हाँ? अच्छा, गुड आइडिया, लेकिन लेटर है कहाँ? हाय अनु, कैसी हो? अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी, सागर जैसे ही उस टेबल की तरफ, साइड टेबल की तरफ जा रहा था ना, तभी आ गए। अच्छा, कन्हैया लाल ने वो फाइल वहां रख दी। साड़ी अच्छी है। मॉम, थोड़ा एक बात करना था मेरे को। अरे हटो, जरा मुझे मेरी फाइल लेने दो। क्या है ये? पता नहीं, कुछ नहीं है सासू माँ, वो तो बस ऐसे एक बार तो पेपर में फाड़ देती। एक बार पढ़ लो ना, शायद इम्पोर्टेंट हो। पढ़ लो, पढ़ लो। क्या इम्पोर्टेंट होगा? पढ़ो पढ़ो, जरा जोर से पढ़ना, हम सब सुनना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। प्यारी सासू माँ, ये तो महीने लिखा है, मुझे लगा उसने कुछ कविता लिखी होगी। नहीं नहीं सासू माँ, इसमें वो जो मैं रोज टपट टपट बोलती रहती हूँ ना, वही लिखा है। कुछ काम करनी है, लाइए दे दीजिए ना। तब तो मुझे जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी चपड़ चपड़ बहुत अच्छी लगती है ना। लो बोलो, वैसे तो रोज कहते हो कि चपड़ चपड़ बंद कर, रोज ताना मारती रहती हो मुझे, और आज मन हो रहा है। मॉम, मैं पढूं? आज मेरा लेटर पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, दीजिए। हाँ हाँ सासू माँ, लाइए, सागर जी को दे दीजिए, एकदम टकास टक मस्त पढ़ेंगे। लाओ लाओ, दे दो ना सासू माँ, पढ़िए सागर जी। ये क्यों ऐसा लग रहा है कि जरूर इस पे कुछ गड़बड़ है? तभी तुम दोनों नहीं चाहते कि मैं ये लेटर पढूं। इसीलिए मैं कहता हूँ अनु कि लेटर तुम ही पढ़ना। तुम्हारी प्यारी सी बहू ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से लिखा है लेटर, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो इसको अपमान हो जाएगा, है ना मही? पापा जी, नारद मुनि क्यों बने हुए? मजा आ रहा है। आपके लिए मैं सुशील, सुंदर और आज्ञाकारी बहू नहीं हूँ। मुझमें आपने ये सब गुण देखे ही नहीं, तो इससे मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मेरे लिए भी आप कोई खास नहीं है, एक सास ही है। आप हिटलर को तो जानती ही हो।
हाँ वही हिटलर जिसने पूरी दुनिया में कहर बरसाया था। आप उसी का एक अवतार है। बस बोल दिया ना, बात खत्म। ऐसा हिटलर की तरह कह देती है कि सबको चुप हो जाना पड़ता है। आप हर वक्त मेरे और सागर जी के बीच आती रहती है। आप अपने बेटे के प्रति इतना प्यार दिखाती है कि ये भी भूल जाती है कि उसकी शादी हो गई है और मही नाम की उसकी बीवी है। वैसे तो बहुत कुछ लिखना है पर जाने दीजिए। आपकी सुशील सुंदर और आज्ञाकारी नहीं है, वो बहु मही। कितने सुंदर विचार लिखे हैं मही तुमने। मैं आज तक इतने सालों में अंशुला को समझ ही नहीं पाया। तुम इतने जल्दी से कैसे समझ गई? वाह मही वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक्स पापा जी। अब ये नारद वेड़े बंद करेंगे थोड़े थोड़े। मॉम मैं समझाऊं बात क्या है, तुम बीच में मत बोलो। बोलने दीजिए ना, आपके बेटे हैं, अच्छे से बोलिए। थोड़ा बोलो ना सागर। मैं नहीं। मही क्या सोचकर तुमने ये सब लिखा? हाँ? तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने सबके सामने तुम्हारी बुराई की? सासू माँ आप मुझे जो भी सजा देना चाहती हो ना दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस अपने आप को थप्पड़ मारो, मारो, लो मार लिया, बस कान पकड़ो। ओके कान पकड़ लिया, बस अब को तो उठक बैठक कर लो। 1 2 3 बस हो गया। मही क्या आधी अधूरी बात सुनकर खुद डिसीजन ले लेती हो? तुम मुझे अगर पसंद नहीं होती, अगर तुम सागर के लायक नहीं होती तो अब तक तुम इस घर के बाहर होती। वो तो मैं जानती हूँ सासुमा। सासुमा आपके चरण धोकर पी लो, पी लो। हाँ एक्चुअली तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जिंदगी भर करूंगी सासुमा बस। लेकिन सासुमा मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, मेरी सासू माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं है, सच्ची। और जैसे आप मेरे लिए अच्छी हो ना, वैसे हिटलर भी किसी ना किसी के लिए अच्छा होगा ही नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि तुम अंशुया को हिटलर कह रही हो? नहीं 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 पापा जी, नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था सासू माँ, बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था ना पापा ना। अरे कीड़े पड़े मेरे मुंह में अगर मैं ऐसा बोलूं तो। नहीं सासु मां नहीं था। सुमा आप भी कहती हो ना कि हर इंसान में कोई ना कोई बुराइयां होती है और अगर वो उसे स्वीकार कर ले तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अब आपने मेरी थोड़ी थोड़ी बुराइयां की और मैंने भी थोड़ी सी आपकी बुराई की। अब सासु मां हम दोनों हमारी बुराइयों का स्वीकार कर लेते हैं ना तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। नहीं सागर जी। हाँ मम। प्लीज सुमा आपने मुझे माफ कर दिया ना। मम अब तुझे माफ नहीं करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे माफ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं क्या कह रही थी कि मैं कल घर में बहुओं की पार्टी रखूं। ओह नो, तो कल बहुएं सास की बुराई करेंगे, मतलब फिर वही सास बहू का झगड़ा।